بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन, योर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 38 of unit 4, let's have fun। previous lecture में आपने पेज नंबर 38 हाफ पेज कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में 38 पेज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। So open your book, page number 38. Question 3 है grammar, और इसमें आज singular and plural nouns पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि सिंगुलर नाउन क्या है। अगर आप अपनी बुक पर देखें तो साइड में लिखा है रीड मी। यहां सिंगुलर की डेफिनेशन ये लिखी है, अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। सिंगुलर मीन्स वाहिद, यानी एक। जब हम किसी एक शख्स के बारे में बात करते हैं, एक चीज, जगह, परिंदा, जानवर, कुछ भी ऐसी जो एक हो, वाहिद हो, अकेला हो, तो वो सिंगुलर कहलाएगा। और प्लूरल की डेफिनेशन क्या है? अ प्लूरल नाउन नेम्स टू और मोर पर्संस, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। यानी प्लूरल का मतलब है जमा। प्लूरल मीन्स जमा। अब जमा में दो चीजें भी हो सकती हैं,
और दो से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं। अब इनमें थिंग्स भी हो सकती हैं यानी अशिया या चीजें, पर्संस भी हो सकते हैं यानी शख्स या अशखास, एनिमल्स जानवर दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, बर्ड्स दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं यानी ऐसी चीज या दो दो या दो से ज्यादा हो उन्हें हम प्लूरल नाउन कहते हैं। अच्छा, जब हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं तो हम उसके साथ एस का इजाफा करते हैं, यानी जब हम प्लूरल बनाते हैं तो जो वर्ड लिखा होता है, जो नाउन होता है, चाहे वो प्लेस हो, थिंग हो, एनिमल हो, बर्ड हो, जब सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करेंगे तो हम उसके साथ एस का इजाफा करते हैं यानी उस नाउन के साथ हम एस लिखते हैं। फिर ये किस में चेंज होता है? प्लूरल में। अब आपकी बुक में पिक्चर्स के साथ भी दिखाया गया है, अगर आप फर्स्ट कॉलम में देखें तो यहां पर वन पेंसिल यानी एक पेंसिल है, लेकिन उसके सामने अगर कॉलम में देखें तो यहां टू पेंसिल्स हैं, तो यहां हम फिर यानी दो है ना, एक पेंसिल नहीं है, तो हम पेंसिल नहीं बल्कि क्या कहेंगे? पेंसिल्स। तो हमने पेंसिल स्पेलिंग के साथ एस का इजाफा किया, साथ हमने लिखा एस। फिर नीचे चेयर है, आप पिक्चर्स को देखते जाएं आपको पता चलेगा कि ये एक है या दो है। चेयर, चेयर्स, फ्लावर, फ्लावर्स, हैट, हैट्स। आप फ्लावर भी कह सकते हैं और फ्लावर्स भी कहते हैं, दोनों आप इसके लिए लव्स इस्तेमाल कर सकते हैं जी। नेक्स्ट कुछ सिंगुलर दिए गए हैं, आपने इनके प्लूरल लिखने हैं। जैसे इसमें है कप जी, कप अब दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो यहां क्या होगा? कप्स, सी यू पी एस, कप्स। पेंसिल, पेंसिल्स जी। इसके साथ किस लेटर का इजाफा होगा? एस का, तो यहां पेंसिल्स लिखा। फिर है कलर, कलर जी, प्लूरल में चेंज करेंगे तो इसे हम कहेंगे कलर्स। नेक्स्ट है बोट, और बोट को प्लूरल में चेंज किया बोट्स, बी ओ ए टी एस। नेक्स्ट है ट्री, ट्री मीन्स दरख्त, ट्रीज, टी आर डबल ई एस, ट्रीज। पेपर, पेपर्स, पी ए पी ई आर एस, पेपर्स जी। पेज नंबर 38 पर दिया गया क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब आपने अपने सामने पेज नंबर 39 ओपन करना है। पेज नंबर 39
पेज नंबर 39 में आपने दिस और दैट के बारे जानना है. दिस THIS दिस दिस मीन्स ये एंड दैट THAT दैट दैट मीन्स वो. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. पुट योर फिंगर ऑन दिस क्वेश्चन. सर्कल द करेक्ट पॉइंटिंग वर्ड्स दिस एंड दैट बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स. अब आपकी आसानी के लिए यहां पर पिक्चर्स भी दी गई हैं. अगर आप उन पिक्चर्स को देखते हुए इस क्वेश्चन को फिल करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी. सबसे पहले हम दिस और दैट का यूज करते हैं कि इसे हम कब इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल किस जगह पर होगा. बुक में रीड मी लिखा है. इस बॉक्स में आप देखें, वी यूज दिस टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स नियर अस. यानी दिस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम अपनी करीब यानी अपने पास या नजदीक की चीजों की तरफ इशारा करते हैं या उनके बारे में बात करते हैं. तो तब हम किस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं? दिस. दिस मीन्स ये. दैट, वी यूज दैट टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर फार फ्रॉम अस. यानी दैट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी भी चीज की तरफ इशारा करते हैं और वो हमसे बहुत दूर होती है या फासले पर होती है. फार फ्रॉम यानी दूर. तो उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं. अब अगर आप पिक्चर को ही देखें तो यहां पर सबसे पहले लिखा है, सेंटेंस है, दिस और फिर है दैट. दिस और दैट इज एन ऑरेंज. अगर आप सेंटेंस के साथ देखें तो यहां आपकी पिक्चर बनी हुई है और वो पिक्चर है ऑरेंज. अब हमने ये देखना है कि क्या ऑरेंज करीब है या दूर है, फासले पर है. जी, अगर हम कहेंगे कि दिस और दैट इज एन ऑरेंज, तो ऑरेंज इस वक्त क्या है? इसके बिल्कुल करीब लिखा है, नियर है. तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दिस. क्या यूज करेंगे? दिस. अब हमने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है तो आप यहां पर दिस को सर्कल करेंगे. सेकंड सेंटेंस है, दिस दैट इज अ टेबल. अब आप पिक्चर को देखें और बताएं क्या ये टेबल इस हाथ के करीब है या उससे दूर है. यहां आपको सेंटेंस के साथ एक
साइन नजर आ रहा है और वो साइन हाथ का है जो उस पिक्चर की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आप पिक्चर के मुताबिक देखें तो टेबल इस वक्त क्या है, फार फ्रॉम, फार फ्रॉम अस, यानी हमसे दूर है, फासले पर है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट, टी एच ए टी, दैट इज अ टेबल, वो एक मेज है, क्योंकि मेज फासले पर है तो उसके लिए हमने दैट का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस एंड दैट इज अ क्लॉक, सी एल ओ सी के, क्लॉक, क्लॉक मीन्स घड़ी। पिक्चर को देखते हुए हम किस वर्ड को सर्कल करेंगे, जी दिस, क्योंकि इस वक्त क्लॉक इस हाथ के करीब है, दिस इज अ क्लॉक। नेक्स्ट है दिस और दैट इज अ कार, कार मीन्स गाड़ी। अब आप पिक्चर को देखें और बताएं क्या गाड़ी इस हाथ के करीब है या इससे फासले पर है, यानी दूर है। जी बिल्कुल, गाड़ी फासले पर है, इसलिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे, दैट, दैट इज अ कार। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपने दिस और दैट का यूज सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल्स आ और एन। अब यहां पर टू आर्टिकल्स दिए गए हैं, आ और एन। आपको याद होगा हमने वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे, अब उसी को माइंड में रखते हुए आपने देखना है कि हमने किस वर्ड के साथ आ और किस वर्ड के साथ एन यूज करना है। जी सबसे पहले रीड मी, इफ अ नाउन बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज अ बिफोर इट, यानी अगर एक नाउन आपने लिखा है और आप उसे लिखने के बाद पढ़ते हैं और उसकी साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम उस वर्ड से पहले क्या यूज करेंगे, आ। इफ अ नाउन बिगिंस विथ अ वॉल साउंड वी यूज एन बिफोर इट, और अगर उस नाउन की साउंड वॉल साउंड है तो उससे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ए एन, एन। यहां पर आपके कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं आ और एन के साथ दिए गए हैं, आप इन्हें देखें, आ पेंसिल, एन एप्पल। अब देखें पेंसिल में पी कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने क्या लिखा, आ। एप्पल में ए वॉल है इसलिए इसके साथ क्या लिखा, एन। नेक्स्ट वर्ड एन एग,
अब आप ये बताएं कि एग में फर्स्ट लेटर यानी एग के स्पेलिंग जब आप लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर उसका क्या है? ई। तो एग की साउंड में उसकी वॉल साउंड है तो हम लिखेंगे एन एग। आ गर्ल, आ बुक, एन एक्स। जी, इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है कि आपने अब उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हैं उसको देखते हुए अब आपने खुद से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनसे पहले एन और आ का यूज करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपने क्या बताना है, यूज ऑफ आ और एन। फर्स्ट वर्ड देखें, यहां है ऑरेंज। अब ऑरेंज में अगर आप देखें तो वॉल साउंड है यानी इसका फर्स्ट लेटर अगर आप देखें तो ये ओ है, तो ओ वॉल है, सो हम यहां क्या लिखेंगे, एन ऑरेंज। नेक्स्ट है हॉर्स, एच ओ आर एस ई हॉर्स। जी, आप देखें क्या ये कॉन्सोनेंट है और बॉल है, हॉर्स। तो यहां हम क्या लिखे, एच है ना यहां पर, तो हम लिखेंगे आ। नेक्स्ट है एल ए एम पी लैम। जी, कॉन्सोनेंट साउंड आ लैम। ए एन टी एंट, फर्स्ट साउंड वॉल साउंड एन एंट। नेक्स्ट है अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला। कॉन्सोनेंट साउंड और वॉल साउंड, यू वॉल साउंड, सो वी विल राइट एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट कैट, सी ए टी कैट। वॉल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, सी कॉन्सोनेंट साउंड आ कैट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपने आ और एन का इस्तेमाल देखा सीखा और आपने इन वर्ड्स को देखा और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आ का इस्तेमाल किया और वॉल साउंड के साथ एन का इस्तेमाल सीखा। पेज नंबर 39 कंप्लीट करने के बाद अब आप पेज नंबर 40 पर आ जाएं, यानी पेज नंबर 40 अपने सामने खोलिए। इसमें इसका डी पार्ट दिया गया है राइटिंग, लर्निंग टू राइट। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट वन नेमिंग वर्ड एंड वन एक्शन वर्ड फॉर ईच ऑफ द गिवन पिक्चर्स। अब आप अच्छी तरह से इन पिक्चर्स को देखें, आपने नेमिंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स के बारे में पढ़ा भी हुआ है, आप जरा अपने जहन में उसे लेकर आए, सोचें, फिर हम इस क्वेश्चन को
फिल करते हैं। जी क्वेश्चन क्या है? राइट वन नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड किसे कहते हैं? नाउन को, नाउन। जिसमें किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल, बर्ड्स, किसी का भी नाम हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? नेमिंग वर्ड। और फिर लिखा है एक्शन वर्ड। इसी क्वेश्चन में आपकी बुक पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप वहां से देखेंगे एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड को हम वर्ब भी कहते हैं, फेल यानी काम, जिसमें हम कोई भी काम कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो रीडिंग, टीचिंग, ये क्या है? एक्शन वर्ड है। जब मैं बोर्ड पर लिखती हूं तो लिखना यानी राइटिंग, ये एक्शन वर्ड है। तो हम अपनी डेली रूटीन में बहुत से काम कर रहे होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड। जैसे हाथ धोना, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सब क्या है? एक्शन वर्ड हैं। दौड़ना, खेलना, तो हर वो काम जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो क्या है? एक्शन वर्ड है। अब आप पिक्चर को गौर से देखें, हमने एक नेमिंग वर्ड लिखना है और एक एक्शन वर्ड लिखना है। अ बॉय इज वॉशिंग हिज हैंड्स। अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको एक लड़का दिखाई दे रहा है जो अपने हाथ धो रहा है। अब इसमें नेमिंग वर्ड क्या होगा? नेमिंग वर्ड होगा बॉय, बी ओ वाई, बॉय। और अगर हम एक्शन वर्ड देखेंगे तो एक्शन वर्ड जी बताएं क्या हो सकता है? वॉशिंग, अपने हाथ धो रहा है ना वो, तो हम क्या लिखेंगे? वॉशिंग, डब्ल्यू ए एस एच आई एन जी, वॉशिंग। तो ये क्या है? नेमिंग वर्ड है और ये क्या है? एक्शन वर्ड है। ये नेमिंग वर्ड का मैं यहां पर एब्रीविएशन लिख देती हूं, एन और डॉट डब्ल्यू, यानी नेमिंग वर्ड। और ये क्या है? एक्शन वर्ड, ए डॉट डब्ल्यू, एक्शन वर्ब। नेक्स्ट पिक्चर, अ गर्ल इज रनिंग। जी नेमिंग वर्ड क्या होगा? गर्ल, जी आई आर एल। और एक्शन वर्ड क्या होगा? जी सोचे, अ गर्ल इज रनिंग, इसमें एक्शन वर्ड क्या है? रनिंग, R U double N I N G, running। जी इसी पेज पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, लुक एट द गिवन पिक्चर, हाउ मेनी एक्शंस डू यू सी इन इट, राइट एनी थ्री एक्शन वर्ड्स बिलो। अब इसमें आपने एक्शन वर्ड्स और नेमिंग वर्ड्स लिखने हैं, सॉरी एक्शन वर्ड्स ही लिखने हैं। पिक्चर को देखें, पिक्चर में आपको बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो एक्शन वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहां पर चंद लिखनी है, कुछ लिखनी है, एनी थ्री लिखा हुआ है ना, तो कोई सी भी तीन लिखनी है। जी क्या हो सकती है, सोचें इसमें एक्शन वर्ड्स क्या हैं? जी साइकिलिंग,
क्वेश्चन टू लुक एट, और आपने ये बुक से क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हमने इसमें क्या लिखना है, एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स यानी कोई भी काम करना। अब पिक्चर्स में से आप ढूंढेंगे, आप बताएंगे कि क्या है एक्शन वर्ड। एनी थ्री लिखने हैं, हम एक एक्स्ट्रा भी लिख लेंगे, कोई बात नहीं अगर हम एक्स्ट्रा भी लिखेंगे तो। जी, सबसे पहले क्या है, साइक्लिंग, सी वाई सी एल सी वाई सी एल आई एन जी, साइक्लिंग। जी, सेकेंड एक्शन वर्ड सिटिंग, एस आई, बैठे हुए हैं ना, बच्चे बैठे हैं तो बैठना भी क्या है, एक्शन वर्ड है। एस आई डबल टी आई एन जी, सिटिंग। नेक्स्ट क्या है, अगर आप बर्ड्स को देखें, बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो आप थर्ड एक्शन वर्ड फ्लाइंग भी लिख सकते हैं, एफ एल वाई फ्लाई आई एन जी इंग, फ्लाइंग। एक और लिख लेते हैं जी, चिल्ड्रन आर ईटिंग समथिंग, तो हम यहां ईटिंग लिख देते हैं, ई ए टी आई एन जी, ईटिंग। ये हमने एक्शन वर्ड्स लिखे हैं। अब आपने नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41 ओपन करना है, और ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग है, यानी यहां पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने उन सेंटेंसेस को एक तरतीब से लिखना है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, रीड द स्टेप्स एंड राइट नंबर्स इन द बॉक्सेस टू शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेकिंग लेमनेड। लेमनेड किसे कहते हैं, लीमू का पानी, जिसे स्कंज बीन भी कहा जाता है। अब इसमें उसका तरीका बताया गया है कि आप वो कैसे बनाते हैं, लेकिन उन स्टेप्स को उन्होंने एक तरतीब से नहीं लिखा। हम उन स्टेप्स को पहले पढ़ेंगे और फिर उनके सामने दिए गए बॉक्सेस में उनकी क्या करेंगे, सही स्टेप्स को नंबरिंग में लिख देंगे।
सबसे पहले लिखा है A double D add 1 tablespoon of sugar. Sugar किसे कहते हैं? चीनी को. Add 1 tablespoon of sugar and a pinch and a pinch, pinch कहते हैं चुटकी को. जैसे आप जब सॉल्ट को डालते हैं तो एकदम से चम्मच भर के नहीं डालते, अपने हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर यानी शहादत की उंगली उसके दरमियान में वो चीज लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पिंच, चुटकी भर जिसे कहते हैं. एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट नमक इन इट. और फिर इसके सामने एक बॉक्स है. वो कह रहे हैं कि आप एक टेबलस्पून यानी एक चम्मच शुगर चीनी का लें और एक चुटकी नमक उसमें शामिल करें. ये पहला उन्होंने लिखा. सेकंड सेंटेंस है, एड ice cubes in it and mix it well. अब यहां सेंटेंस में लिखा है कि आपने 3 ice cubes यानी बर्फ की टुकड़ियां लेनी है. 3 बर्फ की टुकड़ियां उनमें शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करें यानी अच्छी तरह से उन्हें हिला दें. जैसे चम्मच के साथ आप ग्लास में मिक्स करते हैं, इसी तरह से आपने अच्छी तरह उसको करना है. थर्ड पॉइंट इज स्क्वीज SQUEEZE. स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ना. जैसे आप लेमन को निचोड़ते हैं तो स्क्वीज मीन्स निचोड़ना. अ लेमन इन द ग्लास ऑफ वॉटर. स्क्वीज अ लेमन इन द ग्लास ऑफ वॉटर यानी पानी के एक ग्लास में, पानी से भरे हुए ग्लास में लेमन, लीमू को कहते हैं, लीमू को निचोड़ना है. और फोर्थ
point is take a glass of water at room temperature अब हमने एक पानी का ग्लास लेना है, यानी नॉर्मल उसका टेम्परेचर होना चाहिए, ज्यादा ठंडा नहीं होगा। अब हम इन पॉइंट्स को आपने पढ़ा, इन्हें एक तरतीब देनी है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब आप लेमनेड बनाते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, यानी सबसे पहले हम एक पानी का ग्लास लेते हैं। तो ये स्टेप नंबर वन है, आपने बॉक्स में वन लिखना है। सेकंड स्टेप क्या करते हैं, सेकंड स्टेप आपने अपनी मामा को ये लेमिनेट बनाते देखा होगा, तो सेकंड स्टेप क्या होगा जी, एड वन टेबल स्पून ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट। तो ये इसका सेकेंड स्टेप है, नंबर टू लिखना है। थर्ड स्टेप, अब हमने थर्ड स्टेप चूज करना है, स्क्वीज अ लेमन इन द ग्लास ऑफ वाटर, यानी पानी के ग्लास में लीमू को निचोड़ना है, ये इसका थर्ड स्टेप है। एंड द लास्ट स्टेप इज एड 3 आइस क्यूब्स इन इट एंड मिक्स इट वेल, ये इसका फोर्थ स्टेप है। तो इस तरह से फोर स्टेप्स में आप लेमिनेट बनाते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, यानी ये इसका पहला हिस्सा था कि आपने इसे तरतीब दी। अब यहां पर इसका सेकंड पार्ट है और उसमें उन्होंने कहा है, नाउ राइट द स्टेप्स बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर टू शो द सीक्वेंस। कि यहां पर इस तरह से आप देखें तो बॉक्सेस बने हुए हैं, यहां यहां और फिर इसके नीचे फोर बॉक्सेस बने हुए हैं। अब उन्होंने कहा है कि जैसे आपने इन बॉक्सेस में नंबरिंग की है, स्टेप्स लिखे हैं, उन स्टेप्स को आपने इन बॉक्सेस में लिखना है। जैसे सबसे पहला स्टेप क्या था, ये वन लिखा, तो ये है टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, तो ये आपने फर्स्ट बॉक्स में लिख देना है। फिर इसी तरह इसका सेकंड स्टेप है, एड वन टेबल स्पून, तो वो आपने इसमें इसके सामने यहां पर लिख देना है। फिर इसका यहां आ जाएगा थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप स्क्वीज अ लेमन इन द ग्लास ऑफ वाटर, वो थर्ड स्टेप होगा। और फोर्थ स्टेप क्या होगा, एड 3 आइस क्यूब्स इन इट एंड मिक्स इट वेल। तो इस तरह से आपने बुक में क्रिएटिव राइटिंग के जरिए लेमनेड बनाना भी सीख लिया। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 41 पर दी गई एक्टिविटी को आपने
फिल किया। इस तरह से आज हमारा यूनिट 4 लेट्स हैव फन का बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका रिमेनिंग वर्क यानी बाकी काम मुकम्मल करेंगे। आप इसे पढ़ें, याद करें, इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना और अपने पेरेंट्स का, घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Thank you.